another video. This is Suhas Malik and you are watching Asansol City of Brotherhood YouTube channel. So guys, अभी मैं अपने DSLR से शूट कर रहा हूँ एंड इस DSLR पे मेरा जो इसके साथ जो 1855 की लेंस से मैं अब तक वीडियो शूट करता था एंड जैसे ही मैं अपने हाथ पे कैमरा रखता था तो ये जो फ्रेम देख रहे हो गाइस इतना ही दिखता है मुझे, इससे ज़्यादा मैं बैकग्राउंड दिखा नहीं सकता था। तो इसके वजह से क्या करता था, मैं अपना DSLR अपने दोस्त को मैं दे देता था एंड मैं सामने से व्लॉग वगैरह शूट करता था। बट इस बार से गाइस ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि फाइनली मैं अपना एक वाइड एंगल लेंस 18 का वाइड एंगल लेंस है वो मैं परचेस करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग हैं DS मोड़ के पास एंड गाइस मैं जो लेंस लेने वाला हूँ कैनन का 1018 लेंस जो कि एक वाइड एंगल लेंस है वो आसनसोल के कैनन का शोरूम पे अवेलेबल होगा जहाँ से मैंने इससे पहले अपना DSLR परचेज़ किया था। बट उस टाइम पे मैंने ये लेंस नहीं लिया था बट अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है इसीलिए मैं परचेज़ कर रहा हूँ। बट गाइस मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा ये लेंस आपको ऑनलाइन पर भी अवेलेबल मिलेगा, अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे मैंने कोशिश की बट मुझे नहीं मिली। सो प्राइस मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्राइस का। तो क्योंकि मैं आसनसोल में हूँ एंड शोरूम है आसनसोल में कैनन का तो मैं जाके देख सकता हूँ, पिक्चर क्वालिटी टेस्ट कर सकता हूँ एंड पसंद आए तो मैं ले सकता हूँ। बट ऑनलाइन पे क्या होता है कि इतना सारा जो एडवांटेज है वो नहीं मिल पाता। सो अगर आप आउट ऑफ आसनसोल हो, अगर आपके आसपास कोई कैनन का शोरूम नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके ट्राई कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अभी हम लोग शोरूम चलते हैं, देखते हैं लेंस को टेस्ट करते हैं, इसमें फिट करते हैं। और ये गाइस मैं पहुंच चुका हूँ एयर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल उसके ऊपर ही है कैनन का शोरूम। बाय द वे गाइस इससे पहले भी मैंने बताया कि एक्चुअली ये एयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भैया जो है उन्हीं का है ये कैनन का शोरूम। सो हम लोगों को बिलिंग करने का टाइम फिर एयर इलेक्ट्रॉनिक्स आना होगा, फिलहाल हम लोग शोरूम पर चलते हैं जो कि है ऊपर पर। सो फाइनली गाइस मैंने कैनन 1018 का लेंस ले लिया, अभी मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया एंड सबसे पहले तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ एंड फिर गाइस मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ, फिर गाइस आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने इसे परचेज़ किया। सो जब मैं इस DSLR को ऐसे व्लॉग करता हूँ तो आपको सिर्फ इतना ही फ्रेम दिखता होगा जिसके वजह से मुझे ये परचेज़ करना पड़ा कैनन 1018 का जो वाइड एंगल लेंस है। सो अभी फिलहाल मैं सबसे पहले इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड फिर गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे मैंने क्यों परचेस किया एंड किस तरह का पिक्चर क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। सो ये रहा गाइज हम लोगों का कैनन का 1018 लेंस। सो इसका प्राइस जो है गाइज वो 18,000 के आसपास है, ऑनलाइन पे भी गाइज सेम प्राइस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो क्योंकि मैं आसनसोल में हूँ एंड ये यहाँ से ही मैंने अपना DSLR परचेज़ किया था कैनन 200D2, तो क्योंकि ये अवेलेबल है तो मैंने यहाँ से परचेज़ किया। अगर आप आसनसोल हो तो अगर आपको भी कुछ कैनन का लेंस वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। आई थिंक दिस इज़ वन एंड ओनली कैनन शोरूम इन आसनसोल, और कोई शोरूम है क्या इधर? नहीं है। सो अगर आप आउट ऑफ आसनसोल तो आप चाहो तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो फिलहाल मैं इसे खोलता हूँ एंड इसे इस पर लगाता हूँ, फिर आपको गाइस समझ में आएगा। सो ये है गाइस कैनन का 1018 लेंस जिसके वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। तो फिलहाल अभी इस लेंस को मतलब इस DSLR को मैं हाथ से पकड़ा हूँ तो आपको इस तरह का वाइड एंगल्स देखने को मिल रहा है।
तो जब मैं इसे अपने गोरिल्ला पॉड पे लगा दूंगा तब कुछ और अलग आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने इसे डायरेक्ट हाथ से पकड़ा हुआ है, फिर भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके का वाइड एंगल देखने को मिल रहा है। तभी मैं इसे ट्राईपॉड पे फिक्स करता हूँ। इस मैंने अब अपने DSLR को विथ वाइड एंगल लेंस जो कि 1018 का है, इसे मैंने गोरिल्ला पॉड पे लगा दिया। एंड आप देख रहे हो गाइस, इसे मैं अब काफ़ी अच्छी तरीके से व्लॉग कर पा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात यह है गाइस, इसकी पहले आपको गाइस अगर इस लेंस का फुल रिव्यू देखना है तो आप YouTube पे देख सकते हो, कई यूट्यूबर ने काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियोज़ बनाया हुआ है इस लेंस के ऊपर। तो मैं सिर्फ आपको इसके दो तीन खास बात बताऊँगा जिसके वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाइस, इसका वाइड एंगल, बाय द वे मेरे पास एक और वाइड एंगल कैमरा था जो कि GoPro Hero 5, बट इससे मैं इस तरह का व्लॉगिंग नहीं कर पाता क्योंकि उसका फुटेज जो है गाइस वो एक्शन कैमरा है, इस तरह का लो लाइट में वो अच्छा फुटेज नहीं दे पाता। सो सबसे बड़ी बात है गाइस, इसका जो इस वाइड एंगल लेंस पे सबसे पहली बात है कि स्टेबिलाइज़र है, जो कि बहुत कम वाइड एंगल लेंस पे स्टेबिलाइज़र हो पाता है। एंड दूसरी बात है गाइस, ये एक STM लेंस है, इसका जो फोकल मोटर है वो STM है। इससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो कुछ तरह का साउंड या फिर घर घर टाइप का साउंड नहीं आता, बट बाकी सारे जो लेंसेस है, लेंस के जो मोटर होते हैं, अगर उस टाइप का मोटर रहा तो उसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो ट्र तरह का जो आवाज़ आती है, बट इसमें कभी भी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर कि अभी जो फोकस है, तो अभी मेरे फेस पे ये फोकस है, तो मैं पीछे वाले इस ऑब्जेक्ट पे करता हूँ तो देखो गाइस अभी जो फोकस हट गया, बट श्रीपॉर्णो अभी मैं इस फोकस श्रीपॉर्णो पे करता हूँ तो अभी फोकस मेरे से हट के श्रीपॉर्णो पे चला गया, मगर आपको कुछ भी साउंड सुनाई नहीं दिया होगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ STM लेंस। सो अभी गाइस मुझे व्लॉग करने में काफ़ी इजी होगा एंड फुटेज भी काफ़ी अच्छी आएगी। एंड यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर आपको एक मॉडल दिखाना चाहूँगा, नया मार्केट में लॉन्च हुआ है और मुझे मैंने इसे अभी यूज़ करके देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यह है कैनन M200। सो मैंने जो कैमरा परचेज़ किया था वो 46,000 का था, साथ में मुझे 1855 का लेंस मिला। एंड वाइड एंगल के लिए मुझे ये लेंस अलग से परचेज़ करना पड़ा जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है, बट ये वाला कैमरा गाइस इसमें इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास है एंड इसमें सब कुछ है। ये एक आई थिंक बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरा है। तो मैं आपको इसका कुछ खास बात बताना चाहूँगा जो मैंने इस शोरूम पे आके नोटिस किया कि एक तो ये लेटेस्ट मॉडल है और ये यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी बात है गाइस, आपको देख के ये एक डिजी कैम टाइप का लग रहा होगा, बट दिस इज़ अ मिररलेस DSLR कैमरा और यहाँ इस पर भी हर तरह का जो है लेंस लग जाएगा। एंड इसका खास बात बहुत कुछ है गाइस, एक एडवांटेज बहुत कुछ है व्लॉगिंग करने के लिए, बट मुझे एक चीज़ जो इसकी पसंद नहीं वो है गाइस, इसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा सकते हो। इसमें एक फ्लिप स्क्रीन है। दूसरी बात, अभी इसका बैटरी डाउन है तो इसे हम लोग रख देते हैं। तो ये गाइस ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी सही रहेगा, अगर आप नया एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस इसके बारे में मैं खास तो आपको कुछ बताऊंगा नहीं फिलहाल, बट इतना बता सकता हूँ कि ये एक मेरे हिसाब से प्रो लेवल ब्लॉगिंग कैमरा बन सकता है क्योंकि इसमें 4K है, डिजिकेट का सेंसर है, सामने इस तरह का फ्लिप स्क्रीन है जो एक व्लॉगिंग करने में काफ़ी काम आता है, बट इसमें गाइस एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है। बट जिस भी कैमरा में एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं रहता उसका इंटरनल माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा रहता है, बट फिर भी आपको प्रोफेशनल साउंड अगर रिकॉर्ड करना हो तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, बट जो भी इसका इंटरनल माइक्रोफोन है काफ़ी अच्छा है। एंड साथ ही साथ इसका जो इनबिल्ट साथ ही साथ जो ये लेंस मिलता है आपका, ये लेंस भी इससे अच्छा खासा वाइड एंगल जो है मिल जाता है, आप थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग जो है आराम से कर सकते हो, बट आप चाहो तो वो दूसरे भी सारे जो कैनन के लेंस है वो भी लगा सकते हो, इसमें आसानी से लग जाएगा क्योंकि ये एक मिररलेस DSLR है। इसका मैंने अभी इसे फुल जूम इन कर लिया एंड इसमें ब्लर इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड ये इसका गाइस फुल जूम आउट ऑप्शन है, सो ये इसका टोटल आपको वाइड एंगल देखने को मिल रहा है, पूरा जो शोरूम है कवर हो गया। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, पिक्चर क्वालिटी कैसा है ये भी गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर गाइस अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये गाइस मेरा पुराना लेंस एंड भैया ने मुझे बैग दिया कैनन का, सो मैं इसे
इसका पिछला वाला लेंस का जो लगा के दिए थे क्या था उसका यूवी ग्लास, ये को चाहिए इसका भी नया लेंस 67 mm अभी आ नहीं रहा है, मंगा देंगे आपको दे देंगे। तो अभी इसको कैसे यूज करें? अभी फिलहाल बचा बचा के आप यूज करो इसको। अरे क्या है सर 7 4G में क्या है? वो टैबलेट है ये? अभी क्या हर बच्चा को घर से पढ़ना है, सब तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कंप्यूटर, तो उनके लिए ये टैबलेट है। कितना प्राइस है? 10 बिलो है। कितना कितना? 9,800 तक। 9,800 रुपये में? अच्छा। इसमें ये जैसे 7 इंचेस है, इसका 10 इंचेस भी आएगा। 10 इंचेस वाला दिखाना ना, वो जो बड़ा पैकेट है बगल में। वर्क फ्रॉम होम के लिए ना, मतलब जैसे स्टूडेंट्स जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए जिनके पेरेंट्स नहीं देना चाहते कॉस्टली, उनके लिए बेस्ट रहेगा ना। ये एंड्रॉइड 9 पाई मीडियाटेक का प्रोसेसर है, क्वाड कोर, 3GB रैम, 32GB रोम, रियर में 5 MP का, फ्रंट में 2 MP का, एक सिम भी लग जाता है, 4G है और 5,800 का बैटरी बैकअप भी है, ब्लूटूथ 4.2। प्राइस इसका कितना बोला? ये वाला आपका आ जाएगा 13,500, 13,500। इसका वाला? इसका वाला 9,800। बहुत ज़्यादा हो गया मेरा, तो वो कोई दे नहीं सकते। सो यहाँ गाइस मेरा बिल जो है रेडी हो चुका है। वारंटी कार्ड क्या कर लीजिए, क्या साइन करना होगा यहाँ पे? साइन कीजिएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, 6:30 नहीं गई, 7:30 बज रहे हैं। एंड मैंने अपना लेंस जो है इसमें फिक्स कर लिया, एंड जो प्राइम लेंस था पहले से उसे वो मैंने रख दिया। अभी से मैं इसी में व्लॉग करूंगा, एंड इस तरह का आपको वाइड एंगल जो है देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है।